आई गूगल्ड माय सेल्फ. ओहो बहुत मतलब किया है. नहीं, बहुत सारे नहीं आप जो मर्जी छापो बस छापते रहो गाइस और लिखते रहो लाइक कीप लविंग अस. Keep supporting. Bad publicity is good publicity. I'm sorry बोलना पड़ता है बाद में तो गिरना पड़ता है पैरों पे तो ऐसा. जितनी मैंने चोरी करी है एज अ बचपन में गारंटेड कह सकता हूँ कोई बच्चा नहीं होगा. शायद 2-3-4 लाख तो घर के निकाल लिए होंगे मैंने. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. Hi, I'm Keshav. Hi, I'm Nupur Nagpal. And don't forget to watch us on College Romance Season 4, but we're on Filmy Beat. तो Filmy Beat पे हमारा इंटरव्यू देखना मत भूलना. College Romance भी देखना. मिल गया जो मिलना था. Okay. एक फन सेगमेंट है जो हम आपके साथ ज्ञान हो गया फन सेगमेंट. नेवर हैव आई एवर सो नेवर हैव आई एवर गूगल्ड माय सेल्फ. आई गूगल्ड माय सेल्फ. ओहो बहुत मतलब किया है. ओके. ट्रेवल सोलो. आई हैव. आई जस्ट केम बैक फ्रॉम अ सोलो ट्रिप. कहाँ गए थे आप? ये बाहर ही जाती है इंडिया की तो ऐसा कुछ नहीं है. स्टेट्स नहीं इंडिया में. नहीं मैं पहले बाहर ही है. मैं आपको बताती हूँ मैंने अपने आप को गूगल किया है और गूगल पे मेरे बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलत है झूठ है. मैं बताती हूँ क्या हुआ. एक बारी मैं जब नया एक्टिंग करना शुरू किया था तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती थी अपना गूगल करने में. तो कुछ वेबसाइट्स पे आई हैड पोस्टेड अ बर्थडे पिक्चर फॉर वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो मेरा दोस्त है बचपन से बहुत क्लोज है. तो मैंने लिखा था हैप्पी बर्थडे ब्रदर. तो भाई गूगल पे लिखा हुआ आ गया नुपुर नागपाल हैज वन ब्रदर प्रशांत नागपाल. उसको नागपाल बना दिया है किसी ने और आर्टिकल में लिख दिया है कि मेरा एक भाई है प्रशांत नागपाल. हालांकि वो प्रशांत नागपाल नहीं है वो जाट है उसका नाम कुछ और है. तो एंड आई डोंट हैव अ सिबलिंग. आई एम एन ओनली चाइल्ड. तो मुझे गूगल से अपने बारे में बहुत नई नई बातें पता लगी. कुछ और बात. Okay, never have I ever pretended to be on phone. I have. कुछ बताएंगे आप? ऐसा तो यार नहीं आ रहा लेकिन हाँ बहुत बार किया यार. कभी कुछ होता नहीं है कुछ awkward situation हो जाती है या किसी को avoid करना होता है कोई conversation avoid करनी होती है तो ये इसी तरह तो हाँ कुछ कहते हैं हाँ जी हम कुछ कह रहे हैं फिर ये ऐसे. I think ये बहुत लोगों की आदत है. इनफैक्ट ये जो चीज़ बन गई है ना फोन तो ये तो ऐसे ही दिखते रहते हैं ऐसे ही चलता रहता है रैंडम स्क्रॉल होता रहता है तो ना चाहते भी अवॉइड हो जाते हैं बहुत सारी बातें. मैंने तो किया है आउट ऑफ घबराहट लाइक आउट ऑफ स्ट्रेस एंजाइटी लाइक अकेले ट्रैवल करते टाइम रात को कभी अगर कुछ शेडी वाइब्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते टाइम आ रही है तो फिर मैं निकाल के हां हां मम्मा पहुंचने वाली वो बेस्ट तरीका है. पुलिस ने पकड़ा था मुझे बहुत बार. पुलिस ने पकड़ा है तो फोन में ला दिया. झूठ झूठ बात हो रही है. मैं इनका बेटा हूँ मैं ये हूँ अभी वो आ रहे हैं अब रुकेगा. हाँ जी आ रहे हो ना आप ठीक है आ जाओ देख लीजिएगा. और अगर पुलिस ने फोन मांग लिया तो? नहीं मैम सॉरी बोलना पड़ता है बाद में तो गिरना पड़ता है पैरों पे तो ऐसा. ओके. नेवर हैव आई एवर स्टोलन एनीथिंग. हाँ हाँ अरे कोई दिक्कत है यार मैं केशव ओनली स्टील्स हार्ट्स गाइस. आई विश ऐसा होता बट मैंने एक का तो कर लिया है शायद उन्होंने मेरा कर लिया है तो ऐसा है. बाकी मैं बहुत बड़ा चोर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में. जितनी मैंने चोरी करी है एज अ बचपन में गारंटेड कह सकता हूँ कोई बच्चा नहीं होगा. शायद 2-3-4 लाख तो घर के निकाल लिए होंगे मैंने. मैं मजाक नहीं कर रहा है. मेरी बचपन से आदत थी मैं पैसे चोरी करता था. जब मैं छोटा सा था तब से लेके वीडियो गेम खेलने जाता था कोल्ड ड्रिंक पीता था और वहीं बैठा रहता है 1-1 घंटा. वो चल रहा है यार मम्मी के पर्स से निकाल लिए पापा की जेब से निकाल लिए और इवेंचुअली अपनी क्रश को 6th में मेरा पहला क्रश थी तो उसको इम्प्रेस करने के लिए पापा की जेब से निकाले 1,000 रुपये या 1,500 रुपये और फिर कैंटीन से लिए डब्बे पूरे और उड़ाए क्लास में ये लो पार्टी मेरी तरफ से. और वो चीज़ इतनी बढ़ गई मेरी 11th-12th में आया तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कोई फ़ोन गिफ्ट कर रहा हूँ किसी को कोई 30,000-40,000 के फ़ोन गिफ्ट कर रहा हूँ. अपने लिए बेचारे ने 5,000 का फ़ोन नहीं लिया लेकिन वो गिफ्ट कर रहा हूँ. तो इवेंचुअली ऐसे
चोरी के पैसों से वो भी। अरे बहुत बुरी आदत थी यार, घर पे तो पिटाई होती थी। एक बार डब्बा खोल लिया पापा ने या भाई ने, भाई सारी चोरी पकड़ लेता था, तो डब्बे में देखा 25,000 पड़े हुए यार। फिर वो तो 1,000 रुपए नहीं होता तो मिलती नहीं पॉकेट में, नहीं 25,000 तो मैं ऐसे का रखे हुए। तो फिर आई थिंक वो आदत फिर कॉलेज में आके छूट गई। वो मैंने सोचा कि यार अब नहीं करना ये सब। केशव सिर्फ दिल चुराता है। तो वो आदत छूट गई। तो ऐसा है, बहुत बड़ा चोर रहा हूँ ओके। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन। नेवर हैव आई एवर ड्रंक डायल्ड माय एक्स। आई डोंट नो बायगॉन्स आर बायगॉन्स। जो बीत गया सो बीत गया। बायगॉन्स आर बायगॉन्स, दे शुड जस्ट गो। वो बचपन में किया था, जब स्कूल में थे तब किया था। बचपन में ड्रंक डायल्ड कौन से? जिसको नॉर्मल रखता था उसको देता था, जिसको 40,000 के दिया था उसी को किया होगा। उसी को ही किया कि दे दे पैसे स्कूल में, उसी को ही किया दे दे चार। ये पैसे तो नहीं, वो गिफ्ट दे दे मुझे, लड़ाई होगी ना, गिफ्ट दे दे। तो ऐसी हरकतें करिया ना, तो ऐसा स्कूल में ही किया ऐसा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। हमें बहुत मजा आया, थैंक यू सर। ओके, एट लास्ट क्या कुछ आप कहना चाहेंगे ऑडियंस से, फैंस से? वॉच अस one last time for the final season of College Romance season 4 on Sumila. Thank you for the love that you guys have given. Thank you. Thank you so much.